नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। दरभंगा एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए सीधी विमान सेवा हुई शुरू। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट से सोमवार को अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ान सेवा को शुरू किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप पहली उड़ान से अहमदाबाद जाने वाले और वहां से दरभंगा पहुंचे यात्री भी संतुष्ट दिखाई दिए। आपको बता दें, मिथिलांचल के लोगों ने अहमदाबाद के लिए शुरू हुई सीधी फ्लाइट का स्वागत किया है, जिसके बाद अब 18 जनवरी से दरभंगा से हैदराबाद और पुणे के लिए भी सीधी फ्लाइट शुरू होगी। इसको लेकर यात्रियों ने संतोष जताया है, जिसके तहत यात्रियों ने कहा है कि अहमदाबाद से फ्लाइट दरभंगा पहुंचकर मुझे काफी खुशी हुई है। इससे पहले ट्रेन से आने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता था, फ्लाइट से आने में भी कम से कम 2 दिन लग जाते थे, जिससे हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हालांकि कोहरे के कारण फिलहाल विमानों की आवाजाही के समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। औरंगाबाद के एक सेंटर पर दोबारा होगी बीपीएससी की परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा हाल ही में आयोजित करवाई गई थी, हालांकि औरंगाबाद जिले के एक सेंटर में परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया था। परीक्षार्थियों का यह कहना था कि परीक्षा देरी से शुरू हुई थी और क्वेश्चन पेपर भी लीक किया गया था, जिसके बाद अब बिहार लोक सेवा आयोग ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत आयोग ने औरंगाबाद के एक सेंटर पर 66वीं पीटी परीक्षा को दोबारा लेने का ऐलान किया है। हालांकि परीक्षा की कोई तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि इस पूरे मामले में जिलाधिकारी ने जांच रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद भी आयोग ने अपने स्तर पर 2 सीनियर उप सचिव को औरंगाबाद भेजा था। नीतीश कुमार के विकास की गाथा से अब रूबरू होगी पूरी दुनिया। पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की बागडोर संभाल रहे हैं, वहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास की गूंज विदेशों में भी सुनाई देगी। इसको लेकर 16 जनवरी को ऑनलाइन इसको बताया जाएगा, जिसको लेकर समेत दुनिया के सभी लोग इसे सुन सके। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और न्यूयॉर्क स्थित कंसोलेंट जनरल ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित होगा। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय समयानुसार सुबह 9 से 10 बजे तक मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। इसमें शामिल होने के लिए जूम ऐप का उपयोग किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पहले के अशांत बिहार से लेकर मौजूदा समय के विकास युक्त शांत बिहार बनने तक के सफर का चित्रण प्रस्तुत करने वाले हैं। कोरोना वॉरियर्स के वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन। बिहार में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हालांकि पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी थी, जिसके बाद पटना समेत पूरे राज्य में टीकाकरण अभियान की शुरुआत 10:45 पर शुरू हो जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्यकर्मियों का रजिस्ट्रेशन कराने का आज आखिरी दिन है। निजी क्लिनिक और अस्पतालों के कर्मचारी समेत बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। ऐसे लोगों को अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से एक लिंक दिया जाएगा। इस लिंक पर जाकर स्वास्थ्यकर्मियों को स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले चरण के लिए स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या भी बढ़ गई है, जिसके बाद अब तक 48,466 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। प्रकाश पर्व पर चलाई जाएंगी 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद महाराज के 354वें प्रकाश पर्व के मौके पर पटना साहिब समेत पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशन के रास्ते स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। पटना साहिब समेत पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों के रास्ते ट्रेन का परिचालन होने वाला है। पूर्व मध्य रेल के CPRO राजेश कुमार ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि हावड़ा अमृतसर स्पेशल ट्रेन, कोलकाता नांगल डैम स्पेशल ट्रेन और कोलकाता अमृतसर स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। हावड़ा अमृतसर स्पेशल 18 से 20 जनवरी तक रोजाना चलवाई जाएगी। इसके साथ ही अमृतसर से हावड़ा स्पेशल 20 से 22 जनवरी तक रोज परिचालित करवाया जाएगा। यह ट्रेन पटना जंक्शन के अलावा क्यूल, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना साहिब, दानापुर, आरा, डुमराव, बक्सर, दिलदार नगर, जमानिया, DDU होते आएगी और जाएगी, जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत मिलने वाली है। सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में चला विशेष मास्क जांच अभियान। बस और ऑटो में सफर के दौरान मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सोमवार को राज्यभर में विशेष सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिकों, बस ड्राइवर, कंडक्टर, यात्री समेत लगभग 818 लोगों पर कार्रवाई की गई, जिसमें बिना मास्क के कुल मिलाकर 515 और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 214 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया। वहीं 89 वाहनों को भी जब्त किया गया। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुख्य सचिव बिहार के निर्देश के आलोक में सभी जिलों में टीम गठित कर विशेष अभियान चलाया गया। बिहार कैडर में 2 IPS अफसरों का हुआ प्रमोशन। बिहार कैडर में 2 IPS अफसरों का प्रमोशन कर दिया गया है। इसको लेकर गृह विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया है। दोनों अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, जिसकी अधिसूचना गृह विभाग की तरफ से साझा की गई है। गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक ADG नीरज सिन्हा को DP रैंक में प्रोन्नति दी गई है। वहीं SP रैंक के
दलजीत सिंह को डीआईजी में प्रोन्नति दी गई है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे परमानंद ऋषि देव की। परमानंद ऋषि देव का जन्म आज ही के दिन बिहार के अररिया जिले में हुआ था। परमानंद ऋषि देव एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और वर्तमान में रानीगंज अररिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने महादलित भूमि घोटाले का खुलासा किया था जब उन्होंने बिहार विधानसभा के मुद्दा उठाया था। पछुआ हवा के कारण बिहार में बढ़ी ठंड। बिहार में पछुआ हवा ने एक बार फिर से ठंड बढ़ा दी है। राजधानी पटना और गया की बात करें तो अधिकतम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा बह रही है। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों तक पहुंची पछुआ हवा के रुख को देखते हुए मौसमविदों ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत यह कहा गया है कि अगले 2-3 दिनों तक पारे में गिरावट के आसार है। सोमवार को पटना सहित पूरे सूबे में दोपहर बाद जैसे जैसे सूरज ढलता गया ठंड बढ़ती गई। सोमवार को भी राज्य में ज्यादातर हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने की वजह से न्यूनतम पारे में कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन अधिकतम तापमान में 1-4 डिग्री की कमी देखी गई। पूर्णिया का अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में 4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। इस वजह से दिन में भी ठंड की स्थिति देखने को मिली। बिहार के पूर्व मंत्री प्रेम कुमार का फेसबुक अकाउंट हुआ हैक। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ साइबर अपराधियों ने इसे हैक कर लिया है, जिसकी जानकारी तब मिली जब उनके फेसबुक प्रोफाइल की फोटो बदली हुई दिखाई दी, जिसके बाद विधायक ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा कर की। उन्होंने बताया कि मेरा फेसबुक पेज अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है। सोमवार को मुझे इस बात की जानकारी मिली कि मेरे फेसबुक पेज से कई गलत जानकारियां साझा की जा रही है। उसके बाद ही मैंने वरीय पुलिस अधीक्षक को इस बात की जानकारी दी। इतना ही नहीं, प्रेम कुमार ने सभी लोगों से समय समय पर अपना पासवर्ड बदलने की भी अपील की है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार के मंत्रियों की औकात की कही बात। तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते सरकार को निशाने पर लेने का। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रियों को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने का मुद्दा उठाया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार एनडीए के अनेक दल, एनडीए के 40 में से 39 लोकसभा सांसद, 9 राज्यसभा सांसदों, बिहार के केंद्र में आधा दर्जन मंत्री, 2-2 उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की बात इतनी नैतिक और राजनीतिक औकात है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवा सके। आपको बता दें कि साल 2017 में ही पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग की थी। हालांकि उस वक्त प्रधानमंत्री ने उनकी बातों को टाल दिया था और कहा था कि उससे भी बड़ी चीज केंद्र सरकार आपको देने जा रही है। तेज प्रताप यादव ने की तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी। तेज प्रताप यादव आए दिन सुर्खियों में अपने बयानों को लेकर बने रहते हैं। इसी क्रम में अब तेजस्वी यादव को लेकर एक बार फिर से उन्होंने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने आने वाले समय में तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की बात कही है। जिसके तहत हाल ही में मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि सूबे में वर्तमान समय में जदयू और भाजपा एक दूसरे से लड़ने का काम कर रही है, ऐसे में इनकी सरकार कभी भी गिर सकती है। सरकार गिरने के बाद किसकी सरकार आएगी इसकी जानकारी सभी को है। तेजस्वी यादव ही अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर भी अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो तब तक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे जब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीका न लगवा ले। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कुर्सी पर बैठे योगी और मोदी देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। धन्यवाद यात्रा पर तेजस्वी के निकलने से पहले राजद ने बनाई रणनीति। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब अपने अवतार में नजर आ रहे हैं। मध्यावधि चुनाव का ऐलान कर चुके तेजस्वी यादव ने फिर से काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बीते दिन तेजस्वी यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में चुनावी हार के कारणों पर चर्चा हुई, साथ ही बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की बात भी कही गई। इतना ही नहीं, आयोजित बैठक में तेजस्वी यादव ने मकर संक्रांति के बाद शुरू होने वाले धन्यवाद यात्रा पर भी चर्चा की। इसके साथ ही आयोजित इस बैठक में 30 जनवरी को किसान आंदोलन के समर्थन में गांव गांव तक मानव श्रृंखला के कार्यक्रम को भी सफल बनाने की प्रतिज्ञा ली है। इसके साथ ही बैठक में संगठन के विस्तार पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही अब तेजस्वी यादव की अगली बैठक 16 जनवरी को पार्टी के प्रदेश महासचिव और सचिव के साथ होने वाली है। सिडनी टेस्ट के बाद विराट कोहली से आगे निकले स्टीव स्मिथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज का आयोजन करवाया गया है, जिसमें से 3 मैच अब तक खेले जा चुके हैं। जहां टीम के पाले में फिलहाल 1-1 मैच है, वहीं दोनों टीम के बीच खेला गया तीसरा मैच बेनतीजा रहे। इस मैच के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड ने टेस्ट बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग जारी की है। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को रैंकिंग में फायदा मिला है और वो विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। पहले पायदान पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन बने हुए हैं। भारत की तरफ से दोनों पारियों में हाफ सेंचुरी लगाने वाले चेतेश्वर पुजारा को भी रैंकिंग में फायदा मिला है।
स्वामी विवेकानंद की जयंती की कंगना ने दी बधाई। स्वामी विवेकानंद की जयंती को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर उन्हें याद किया है। स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु बताते हुए कंगना रनौत ने ट्वीट किया, मैंने जब खुद को खो दिया तो आपने तलाशा, जब मुझे पता नहीं था कि कहां चला जाए तो आपने मेरा हाथ पकड़ा, जब मैं दुनिया से भ्रमित हुई और कोई उम्मीद नहीं रही तब आपने उद्देश्य दिया, आपसे बढ़कर कोई चीज और कोई ईश्वर नहीं है, मेरे गुरु आपका मुझ पर अधिकार है। इसके साथ कंगना रनौत ने हैशटैग नेशनल यूथ डे और हैशटैग स्वामी विवेकानंद जयंती भी लिखा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों को किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।